देखिए फ्रेंड, ये है सेवई कस्टर्ड। खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बनकर तैयार भी बहुत जल्दी होता है। तो इस तरह से आप लोग भी बनाइए, इस गर्मी के लिए बहुत ही अच्छा डिश है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनता है। पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमने इसे ड्राई फ्रूट के साथ बनाए हैं, आप इसे फ्रूट के साथ भी बना सकते हैं। कस्टर्ड सेवई में लगने वाली सामग्री चलिए देख लेते हैं। दूध है 1 लीटर, चीनी आधा कटोरी लिए हैं, सेवई 1 कटोरी है, कस्टर्ड 2 चम्मच और घी 2 चम्मच है, और कुछ कटा हुआ ड्राई फ्रूट है। इस तरह से आप लोग भी बारीक काट लीजिएगा। देखिए फ्रेंड, पैन गरम हो गया है। अब हम लोग इसमें घी डालेंगे। देखिए घी डाल दिए हैं, घी को अच्छी तरह से गरम होने देंगे। घी गरम हो गया, घी गरम होते ही सेवई डालेंगे और इसे अच्छी तरह से भूंज लेंगे। देखिए सेवई हो गया है, इस तरह से ही भूंजेंगे पूरा इसका ब्राउन कलर आने तक। देखिए दूध चढ़ा दिए हैं, दूध में एक बॉयल आएगा, उसके बाद इसमें हम लोग सारा सामान डालेंगे। देखिए दूध से अब हम लोग थोड़ा सा 2-3 चम्मच दूध निकाल लेंगे कस्टर्ड घोलने के लिए। ये देखिए इस तरह से इसे पूरा अच्छी तरह से घोलिएगा। और अब हम लोग सेवई में, अब हम लोग दूध में सेवई डाल देंगे। पहले सेवई डालेंगे, ड्राई फ्रूट भी आधा डाल देंगे, आधा रखेंगे बाद में डालेंगे। और आधा गार्निश के लिए रखेंगे। कस्टर्ड को इसमें आस्ते आस्ते करके डालेंगे, एक एक चम्मच एक साथ नहीं डालेंगे, इस तरह से एक एक चम्मच करके डाल डाल के चलाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, अब हम लोग इसमें चीनी डालेंगे। 4 चम्मच चीनी डालिएगा, अपना टेस्ट के अनुसार डालिएगा। आप चीनी थोड़ा कम बेसी भी कर सकते हैं। चीनी डाल के अभी से अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से ही कीजिएगा, ज़्यादा मत पकाइएगा क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और जम सा जाता है, इसीलिए हम लोग इसे और नहीं पकाएंगे। जब कस्टर्ड डालेंगे तो इसे लगातार चलाते हुए ही पकाइएगा। और 2 लीटर कस्टर्ड में, 2 लीटर दूध में 2 चम्मच ही कस्टर्ड इस्तेमाल कीजिएगा। देखिए फ्रेंड, कस्टर्ड सेवई बनकर तैयार है। अब इसे हम लोग थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसका प्लेटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड, कस्टर्ड सेवई बनकर तैयार है। तो हम लोग इसमें पहले 2 चम्मच डाल देंगे सेवई कस्टर्ड वाला, ऊपर से आप ड्राई फ्रूट जो हम लोग आधा बचा लिए थे उसे डाल देंगे। इस तरह से डाल दीजिएगा, फिर ऊपर से डाल दीजिएगा कस्टर्ड वाला सेवई। फिर ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल देंगे। देखिए फ्रेंड, कस्टर्ड सेवई बनकर तैयार है। इस तरह से आप लोग भी बनाइए। आप चाहते हैं ठंडा खाने तो इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख के खाइए, और ऐसे भी खाइए तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरह से आप लोग भी बनाइए। पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।